आरोग्य जागृति। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। ये योजना सामान्य जनता के लिए सरकार की ओर से चलाई जाती है। ये मुफ्त उपचार योजना है। इसमें लगभग सारी बीमारियां शामिल है। बावजूद इसके हॉस्पिटल और मरीजों के बीच बहुत बार देखा गया कि टकराव होता है, हॉस्पिटल और डॉक्टरों को नुकसान पहुंचा जाता है। इसका कारण यह है कि मरीजों की ओर से आरोप होता है कि अस्पताल महंगी दवाई और महंगे टेस्ट हमें बाहर से मंगवाते हैं, जबकि हम ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अपना इलाज करवा रहे हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है, आखिर ये योजना किस तरह से काम करती है। ये योजना चार स्तंभों पे खड़ी है। पहला स्तंभ लाभार्थी यानी मरीज, दूसरा स्तंभ हॉस्पिटल, तीसरा स्तंभ TPA कंपनी यानी जो आपको इस बीमारी का बीमा कराती है, और चौथा स्तंभ सरकार। अब सरकार की ये योजना और हॉस्पिटल की सेवा, इसमें काफी झोल है। सरकार ने हॉस्पिटल को काफी अनसुलझे कानूनों में उलझा कर रखा है, जिसके कारण मरीज और हॉस्पिटल में गलतफहमी बढ़ रही है। एक तरफ हाईकोर्ट औरंगाबाद कह रहा है कि इस योजना का लाभ केवल BPL कार्ड धारक को ही मिले, यानी गरीब रेखा के नीचे आने वाले लोगों को ही मिले, तो दूसरी ओर सरकार की ये योजना कहती है कि इसका लाभ सभी को मिले। ऐसे कई पेचीदा सवाल है जिनका जवाब हम डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी से लेंगे। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ये औरंगाबाद के सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर HOD डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री है। हमने इसके पहले भी आरोग्य जागृति में डॉक्टर हिमांशु गुप्ता से आपको मिलाया था। ये डॉक्टर होने के साथ बहुत ही अच्छी विचारधारा से मरीज और उनके परिजनों को काउंसलिंग करते हैं। आज भी हमें मराठवाड़ा हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से बहुत ही सादगी से महात्मा फुले योजना के पेचीदा कायदे और नियम समझाए। जरा देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन आपसे जुड़ा है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आरोग्य जागृति आज ऐसा विषय लेके आई है जो महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत रुग्णालय में मिलने वाले उपचार के ऊपर। कोरोना काल में जो महामारी से लोगों में जो हड़कंप मचा है और प्रशासन हॉस्पिटल के कितना ख्याल रखती है, हम इसी के ऊपर डॉक्टर हिमांशु गुप्ता सर से बात करेंगे। क्या जीवनदायी योजना हर वर्ष के तरह रिन्यूअल किया जाता है? क्या रिन्यूअल किया है तो इसके अंतर्गत कितने हॉस्पिटल में और पेशेंट के बीच में जो वाद हो रहा है, प्रशासन इसके ऊपर क्या ख्याल रख रही है? जागृति के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज आपने काफ़ी सही प्रश्न किया है जो महाराष्ट्र के जनमानस से जुड़ा हुआ है, जनमानस के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना सुचारू रूप से कई वर्षों से चल रही है। कोरोना काल यदि हम देखते हैं तो 1 मार्च 2020 से आज तक हम कोरोना महामारी की चपेट में हैं, और लगभग सभी हॉस्पिटल, सभी डॉक्टर्स, सभी पैरामेडिकल स्टाफ अपनी पूरी कोशिश से, अपने पूरे योगदान से आज इस कोरोना महामारी में संघर्ष करते हुए भी आते हुए और आने वाले सभी रोगियों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। अब सवाल आता है कि जीवनदायी आरोग्य योजना के माध्यम से हॉस्पिटल्स कहाँ तक रोगियों को सुविधा दे सके हैं, तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि गत वर्ष 31 मार्च 2020 को हमें जीवनदायी आरोग्य योजना से संवाद मिला कि हमें योजना रिन्यू करनी है, और हमारे हॉस्पिटल के साथ साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने योजना को रिन्यू भी किया। वह महामारी की शुरुआत थी। हालांकि यदि हम एक संकीर्ण विचारधारा को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं तो भी यह माना जाता है कि कोई भी एग्रीमेंट जिन पार्टीज के बीच में होता है
उनका आपस में सहमत होना बहुत आवश्यक है। यह एक संकीर्ण विचारधारा होगी, और यदि हम एक बड़ी विचारधारा के साथ चलते हैं तो उसमें जो सहमति है उसमें विन विन क्रिएट करना अति आवश्यक होता है, जिससे कि वह अग्रीमेंट, वह पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज की तरह स्थापित हो और उसका जो लाभ है उस बेनिफिशियरी को मिले जिसके लिए वह अग्रीमेंट एक योजना के माध्यम से लागू किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना में शुरुआत से मराठवाड़ा हॉस्पिटल एसोसिएशन और कई अन्य हॉस्पिटल एसोसिएशंस ने स्टेट हेल्थ एश्योरेंस सोसाइटी को अप्रोच किया है और उन्हें हॉस्पिटल की तरफ आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया है, लेकिन आज तक हमें इस पर कोई सकारात्मक सॉल्यूशन नहीं मिला है। सुना जाता है, विचार किए जाते हैं, लेकिन इस अंतर को आज तक भली भांति मिटाया नहीं गया है। 31 मार्च 2020 को भी हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन करके योजना को भेजा, आज तक उसकी कोई कॉपी हमें नहीं प्राप्त हुई है। हाँ, बदले में कई बार थोड़ी सी भी असावधानी हो जाने पर उस अग्रीमेंट का मेंशन करते हुए कई कड़क कदम हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट में उठाए गए। जीवनदायी आरोग्य योजना के माध्यम से कोविड काल में हमने कोविड पेशेंट्स का भी उपचार किया है और नॉन कोविड पेशेंट्स का भी उपचार किया है, जिन्हें इस योजना के माध्यम से लाभार्थी माना गया उनकी सेवा हम लोगों ने सुचारू रूप से की है। हमें समझना होगा इस योजना में लाभार्थी को किस तरह से लाभ मिलता है। यह योजना एक आरोग्य बीमा योजना का ही रूप है। आरोग्य बीमा योजना में यदि हम देखते हैं तो जो लाभार्थी हॉस्पिटल आता है पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसकी जो समस्या है उसके उपचार का जो पैकेज है उसका अप्रूवल लिया जाता है। ये अप्रूवल टीपीए के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि लाभार्थी को हॉस्पिटल डायरेक्ट लाभ नहीं दे सकता, उसे प्राथमिक प्रोसीजर को फॉलो करना आवश्यक है। अर्थात जो सरकार ने आरोग्य मित्र नाम का व्यक्ति हॉस्पिटल में बैठाया है उसके माध्यम से योजना में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है और उसका अप्रूवल आवश्यक है, उसके बाद आरोग्य मित्र रोगी को एमसीओ के माध्यम से हॉस्पिटल में दाखिल करता है और वहां से आगे उपचार देना हॉस्पिटल की जवाबदारी बनती है। हमारे पास कोरोना महामारी के समय पे 21 मई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जीआर भेजा, जिसे मान्य करना हमारा कार्य था। उसमें 80% बेड हॉस्पिटल के कोविड के लिए आरक्षित कर दिए गए। उस समय तक जीवनदायी आरोग्य योजना की ओर से कोई भी किसी भी प्रकार का संदेश नहीं आया था। महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना के अग्रीमेंट के अनुसार ऑपरेशनल बेड का 25% ऑफ ऑपरेशनल बेड्स आर मिनिमम टू बी सर्व्ड अंडर जीवनदायी आरोग्य योजना, यानी कि 80% बेड रिजर्व हो गए सरकार के माध्यम से और 25% बेड रिजर्व हो गए योजना के माध्यम से, यानी कि 100 बेड है मेरे पास, रिजर्वेशन 105% हो गया। जब हमने इसका
क्लैरिटी एस्टेब्लिश करने की बात की तो और अलग हो गया। हमें योजना के अधिकारियों ने बताया कि 80% रिजर्व करना है सरकार के लिए और 80% रिजर्व करना है योजना के लिए। और यहां से एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया जो आज भी क्लियर नहीं हुआ है। यदि हम 80% सरकारी योजना के लिए रखेंगे और 80% हम सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के अनुकूल करेंगे तो हम तो कभी भी लीगली करेक्ट नहीं हो सकते। या तो हम सरकार के दिए गए निर्णय को नहीं मान रहे हैं या हम योजना से आए हुए निर्णय को नहीं मान रहे हैं। यह क्लैरिटी एस्टेब्लिश आज भी नहीं हो सकी है जो इस योजना में कहीं ना कहीं बाधक बन रही है। अब एडमिशन से पहले के अप्रूवल पर आते हैं। हाईकोर्ट औरंगाबाद में योजना की ओर से यह कहा गया कि यह योजना बिलो पॉवर्टी लाइन बेनिफिशरीज के लिए है। यह एफिडेविट के माध्यम से वहां पर स्वीकार किया गया है। लेकिन यदि हम जीवनदायी आरोग्य योजना के एमओयू को पढ़ते हैं, जो एग्रीमेंट की कॉपी हमें साइन होकर नहीं मिली है उसको पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है फॉर एवरीवन। तो यहां पर भी क्लैरिटी एस्टेब्लिश नहीं है कि हमने बेनिफिशियरी किसको मानना। यदि सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय बेनिफिशियरी को बदल सकते हैं तो उन बदले हुए बेनिफिशियरी को एक्सेप्ट करने के लिए हॉस्पिटल की तरफ की रजामंदी कहां गई, वह भी तो अनिवार्य है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। हमने उन सभी लाभार्थियों को जिनका अप्रूवल आ गया सही समय पे सही सुविधा प्रदान की है। इस योजना में कोविड के लिए कोई सेपरेट पैकेजेस नहीं है। कोविड में होने वाले जो बदलाव हैं, जैसे लंग्स के जो अफेक्टेड डिजीज पार्ट्स हैं उसको शामिल करने के लिए पल्मोनोलॉजी पैकेजेस को लेने की बात की गई, इंटेंसिव केयर पैकेज को लेने की बात की गई, और उसके जो पैरामीटर्स थे वो इतने रिजिड कर दिए कि चाहकर भी हॉस्पिटल उन पैकेजेस में उन पेशेंट्स का क्लैरिटी के साथ एस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। साथ ही योजना के माध्यम से मिलने वाले उपचार के बावजूद भी सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट जो हायर टेस्ट बोले जाते हैं, मेडिसिन्स जो कॉस्टली मेडिसिन्स हैं, इस योजना का पार्ट नहीं है। उसके लिए आपको रोगी से ही पैसा लेना है, ऐसा संवाद हमें योजना की ओर से मिला। तो इसमें हॉस्पिटल उपचार नहीं दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्पिटल तत्परता के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना में पूरा सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर थे, तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। लेकिन जो क्लैरिटी सरकार की ओर से और योजना की ओर से आनी चाहिए उसमें हॉस्पिटल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसका खामियाजा सबसे पहले हॉस्पिटल को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो लाभार्थी यहाँ पर रोगी की तरह एडमिट होता है उसको ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल सहयोग नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल हमारे साथ में चीटिंग कर रहा है, हॉस्पिटल हमें गलत तरीके से चार्ज कर रहा है, जो सत्यता नहीं है। आज भी जितने भी पेशेंट्स का अप्रूवल आता है योजना के माध्यम से, हम उन सभी रोगियों को उपचार दे रहे हैं, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हो, चाहे वो अन्य उपचार के लिए, अन्य समस्याओं के उपचार के लिए आए हों, हम पूरे सहयोग के साथ में जीवनदायी आरोग्य योजना के लाभार्थियों को सही समय पे सेवा दे रहे हैं। हमारा एक बार पुनः आपके माध्यम से, आरोग्य जागृति के माध्यम से सभी से निवेदन है, सभी अधिकारियों से निवेदन है कि कृपया करके जीवनदायी आरोग्य योजना के माध्यम से मिलने वाले लाभ को
लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल के पक्ष को भी भली भांति सुने। हम हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा करने के लिए तत्पर हैं। हमारी अड़चनों को यदि आप समझते हुए सकारात्मक रुख से सहयोग करेंगे, अच्छे सुझाव को मानते हुए उसमें कुछ छोटे मोटे परिवर्तन लाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीवनदायी आरोग्य योजना के माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश के बहुत सारे पीड़ित रोगियों का सही समय पे उपचार कर सकते हैं। लगभग 1000 रोग आज इस योजना के माध्यम से उपचार के लिए उपलब्ध हैं। हमारा सुझाव ये भी है कि ऐसे प्रोसीजर्स जो पिछले 5 साल में 5% से भी कम इस्तेमाल में आए हैं, उनको इस योजना से निकाल दिया जाए, जिससे कि बचे हुए पैकेजेस में हम अच्छी तरह से उस रकम का बंटवारा कर सकते हैं और रोगियों को सर्वोत्तम सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आभारी हूं आपका, आपने इस प्रश्न को सामने लाया और मैं आपके माध्यम से सभी रोगियों को, सभी जीवनदायी आरोग्य योजना के लाभार्थियों को भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम हॉस्पिटल्स के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य योजना को लेकर नहीं किया जाता है। यदि कोई भी ऐसा अवसर आया जहां रुकावट बनी है, तो आपको भी हमारे पक्ष को समझना चाहिए। हमारी तरफ जो अड़चने हैं उसको यदि आप भी नहीं समझेंगे और सरकार भी नहीं समझेगी, तो यह एक वाद विवाद का मोड़ आ जाएगा, जहां से ना आपको सेटिस्फेक्शन होगा और ना सरकार को सेटिस्फेक्शन होगा, और हॉस्पिटल की ओर ये उंगलियां सदैव उठती रहेंगी। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छा हमारे दर्शकों को महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत योजना के बारे में बताया, लेकिन सर हर एक आपसे एक हम जानना चाहते हैं, क्या महात्मा ज्योतिबा फुले योजना शासन, हॉस्पिटल और पेशेंट और टीपीए कंपनी, ऐसा चार एक पिलर बताया है, तो ये पिलर को मेंटेन करने के लिए जो योजना भली भांति चले, सब तो जाए और ज़रूरतमंद को इसका लाभ मिले, इसके लिए कहाँ पे सर किंतु परंतु आता है? और पेशेंट का तो पेशेंट को बोला जाता है क्या आपको जीवनदायी में पूरा योजना का लाभ लिया जाएगा, प्रशासन की तरफ से बताया जाता है, और कुछ हॉस्पिटल की तरफ से ऐसा बताया जाता है कि ये योजना में नहीं बैठता, तो कन्फ्यूजन है और इसीलिए हर हॉस्पिटल के ऊपर उंगली उठ रही है कि महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप ये भी बता दीजिएगा कि ये इसमें कहाँ पे किंतु परंतु, कहाँ पे बीच में बाधाएं आ रही है? यह योजना निश्चित रूप से जनसाधारण के लिए है। यदि हम देखें तो इसमें 4 पिलर हैं, एक लाभार्थी, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा टीपीए और इंश्योरेंस एजेंसी, और चौथा सरकार। यह चारों ही इस योजना के आधारशिला मान लीजिए या आधार स्तंभ मान लीजिए, लेकिन लाभार्थी और हॉस्पिटल, यह दोनों ही पिलर कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को समझने के लिए कम पड़ते हैं, क्योंकि बाकी के जो 2 पिलर हैं, सरकार और इंश्योरेंस एंड टीपी एजेंसीज, ये क्लैरिटी स्टेब्लिश नहीं कर पाती हैं समय से, जिसकी वजह से हॉस्पिटल और लाभार्थी के बीच में कहीं ना कहीं वाद विवाद होता है। बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिसमें कभी सिम्टम्स को लेके, कभी इन्वेस्टिगेशंस को लेके, कभी उपचार पद्धति को लेके, कभी दी जाने वाली दवाइयों को लेके, कभी डिस्चार्ज को लेके कुछ ना कुछ तकरार आती है, और उसको
दिए गए टर्न अराउंड टाइम में जब हम नहीं सेटल कर पाते हैं तो उसका नुकसान लाभार्थी को भी होता है और करने वाले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को भी होता है। यहां आवश्यकता है एक दूसरे को समझकर आने वाली उन त्रुटियों को, उन कमियों को सही समय पर एड्रेस करके स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करके इस योजना को बल देने की। लेकिन जब कभी भी कोई लाभार्थी हॉस्पिटल से संवाद करता है और अपनी समस्या को रखता है तो उस समस्या को जब हम लेकर टीपीए के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी या स्टेट हेल्थ एश्योरेंस सोसाइटी तक पहुंचते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर तकरार को बाजू में रखने का कहा जाता है। डिस्प्यूट रिड्रेसल में कहीं पर भी हॉस्पिटल्स की तरफ से कोई भी नॉमिनी नहीं है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के पक्ष को सुनने वाला कोई नहीं है। लाभार्थी की तरफ से आने वाली कंप्लेंट जब लॉगिन होती है तो सर्वप्रथम हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड पेशेंट्स को तो हम सही से बता सकते हैं कि क्या सही हुआ है या क्या कहाँ आपका आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम वो क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लाभार्थी जब हॉस्पिटल से घर वापस चला जाता है उसके 15 दिन बाद, उसके एक महीने बाद कंप्लेंट लॉगिन होती है। तो जब लाभार्थी जा रहा है उस समय पर ही योजना के नियमानुसार फीडबैक देकर जा रहा है और उस फीडबैक में वह लिख कर जा रहा है कि मुझे हॉस्पिटल से कोई तकरार नहीं है, मेरा जो भी उपचार हुआ है वो अच्छे से हुआ है। तो 15 दिन बाद जब योजना के ऑफिस की तरफ से फ़ोन जाता है या टीपीए की तरफ से फ़ोन जाता है और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से फ़ोन जाता है और उसमें लाभार्थी ये बोलता है कि नहीं अभी ये कमी है और ये कमी है, तो हॉस्पिटल से बिना पूछे कंप्लेंट लॉगिन करना ये कहीं ना कहीं द्वेषात्मक दिखता है। कहीं सकारात्मक प्रयास संयुक्त रूप से होने चाहिए जहाँ पर हम इस योजना का वास्तविक लाभार्थी को मिलने वाला लाभ सही समय पर दे सके और उसके जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हॉस्पिटल्स की तरफ भी सही समय पर पूरे कर सके। हम यह नहीं कर सकते कि लाभार्थी को 100% उपचार भी मिले और 100% सेटिस्फेक्शन भी मिले लेकिन हॉस्पिटल को किसी भी प्रतिशत में ना तो सेटिस्फेक्शन मिले और ना उसका रिम्बर्समेंट मिले। आज भी करोड़ों की सेटलमेंट्स पेंडिंग हैं, डिस्प्यूट्स। कभी पेशेंट की तरफ से यदि सहयोग नहीं मिलता है तो बहुत सारे कागज ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो सकते। वहाँ पर कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि डिस्प्यूट रिट्रेसल पेशेंट के एब्सेंस में भी कंप्लीट हो। पेशेंट के अलावा भी 50 लोगों को अलाउड है कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से तो किसी को भी अलाउड नहीं है कंप्लेंट करने के लिए, वह सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की तरह आता है। यही हमारा कहना है कि जब हम इन चार स्तंभों के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं तो ये चारों स्तंभों के बीच में संपर्क होना आवश्यक है, संवाद होना आवश्यक है, जिसकी वजह से हम इसको बल देते हुए इस योजना के माध्यम से अधिक लाभार्थियों को स्वस्थ बनाए रखें और अच्छा उपचार देकर उन्हें घर भेज सकें।